हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का प्लीज हम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है धातु तथा अधातु। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको धातु तथा अधातु के बारे में बताने वाला हूँ कि धातु तथा अधातु किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्लीज हम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है धातु तथा अधातु। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? धातु तथा अधातु। तो पहले दोस्तों हम धातु के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? धातु के बारे में, कि धातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है धातु, और आपको इस हेडिंग में लिखना है वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं चमकदार, कठोर, प्रबल, भारी तथा ध्वनिक होती हैं। उदाहरण लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि। तो दोस्तों देखिए, धातुएं किसे कहते हैं? दोस्तों वे तत्व जिसके अंदर ऊष्मा और विद्युत दोनों आसानी से बह जाएं वो हमारे क्या कहलाती हैं दोस्तों? धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? धातुएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास उदाहरण के लिए है लोहा। अब दोस्तों लोहे में आप ले लीजिए सरिया। क्या ले लीजिए दोस्तों? सरिया। मान लीजिए दोस्तों ये क्या मेरी एक सरिया है। क्या है दोस्तों? मेरी एक सरिया है। अब यदि दोस्तों मैं इस सरिये को यदि किसी आंच में रखूं, इस सरिये को कहां रखूं दोस्तों? किसी आंच में रखूं, तो दोस्तों ये सरिया गर्म हो जाएगी। हो जाएगी ना? हो जाएगी दोस्तों ये सरिया गर्म, तो इसके अंदर ऊष्मा आसानी से बह जाएगी ना? बह जाएगी दोस्तों, बिल्कुल आराम से बह जाएगी। अब यदि इसी सरिये में दोस्तों मैं बिजली के तार लगा दूं, इसी सरिये में क्या लगा दूं दोस्तों? बिजली के तार लगा दूं, तो क्या इस सरिये के अंदर जो हमारी बिजली है वो आसानी से बह जाएगी? नहीं बह जाएगी, बिल्कुल आसानी से बह जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की जो तत्व होते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? धातुएं कहलाती हैं। तो ये जो मेरी सरिया है जो लोहे की बनी हुई है, ये क्या है? मेरी धातु है। ये क्या मेरे दोस्तों? धातु है। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। अब दोस्तों ये जो धातुएं होती हैं ये चमकदार, कठोर, प्रबल, भारी तथा ध्वनिक होती हैं। तो दोस्तों जितनी भी धातुएं होती हैं इनके अंदर चमक होती है। क्या होती है दोस्तों? चमक होती है। दोस्तों सभी धातुओं के अंदर नहीं होती, कुछ धातुओं के अंदर चमक होती है। जैसे दोस्तों सोना, चांदी, इनके अंदर क्या होती है दोस्तों? चमक होती है। क्या होती है दोस्तों? चमक होती है। और दोस्तों कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कठोर होती हैं, प्रबल होती हैं, भारी भी होती हैं तथा ध्वनिक भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास बहुत सारे धातुएं होती हैं जिनमें से कुछ चमकदार भी होते हैं, कुछ कठोर भी होते हैं, कुछ भारी भी होते हैं, कुछ ध्वनिक भी होती हैं। सब प्रकार की दोस्तों हमारे पास क्या होती है? धातुएं होती हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि धातु किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण पर। किस पर बात कर ले? धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण पर। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण दिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों हमारा जो पहला भौतिक गुण है वह है धातुओं के पृष्ठ चमकदार होते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, कॉपर आदि चमकदार धातुएं हैं। तो दोस्तों जो हमारी धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं, उनके जो पृष्ठ होते हैं वो बहुत ही चमकदार होते हैं। वो क्या होते हैं दोस्तों? पृष्ठ बहुत ही चमकदार होते हैं। जैसे दोस्तों हमारा सोना है, चांदी है, तो ये जो धातुएं हैं ये हमारी क्या होती है? चमकदार धातुएं होती हैं। क्या होते हैं दोस्तों? चमकदार धातुएं होते हैं। सोना का हम उपयोग दोस्तों आभूषण बनाने में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये धातुएं क्या होती है? बहुत ही चमकदार होती हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा धातुओं का पहला भौतिक गुण। अब दोस्तों धातुओं का जो हमारा दूसरा भौतिक गुण है वह है अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, परंतु सभी धातुएं समान रूप से कठोर नहीं होती हैं। अधिकांश धातुएं जैसे आयरन, तांबा, एल्युमिनियम अत्यधिक कठोर होती हैं, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। सोडियम तथा पोटेशियम कमजोर धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।
तो दोस्तों देखिए, हमारे पास दो प्रकार की धातुएं होती हैं। पहली तो होती है वो जो सबसे ज्यादा कठोर धातुएं होती हैं, और दूसरी जो धातुएं होती है वो सबसे कमजोर धातुएं होती हैं। कठोर धातुएं होती हैं दोस्तों हमारे पास जैसे आयरन, तांबा, एल्युमिनियम। ये धातुएं ऐसी धातुएं होती हैं दोस्तों जिन्हें चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता, बहुत ही कठोर धातुएं होती हैं। और दोस्तों दूसरी जो धातुएं होती है हमारे पास कमजोर धातुएं होती हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम। ये दोस्तों बहुत ही कमजोर धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों हमारे पास दो प्रकार की धातुएं होती है, एक तो कठोर और एक कमजोर, दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे भौतिक गुण पर। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा भौतिक गुण है वह है तन्यता। क्या है दोस्तों? तन्यता। तो दोस्तों हम तन्यता के बारे में भी जान लेते हैं कि तन्यता किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, वह गुण जो धातुओं को पतली तारों में खींचे जाने की क्षमता प्रदान करता है तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तन्यता कहलाता है। आप इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास कुछ लोहा है। क्या है दोस्तों? मेरे पास कुछ लोहा है। अब मैं उस दोस्तों लोहे को पिघला कर तार बना दूं, उस लोहे को पिघलाकर क्या बना दूं दोस्तों? तार बना दूं। तो वह गुण मेरा क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? तन्यता कहलाएगा। दोस्तों आपने बिजली के तार देखे होंगे, तो बिजली के तार जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं दोस्तों? धातुओं से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? धातुओं से बनते हैं। उन धातुओं को पिघलाया जाता है, तब उन्हें पतले तारों में खींचा जाता है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तन्यता कहते हैं। तो दोस्तों आपको तीसरा भौतिक गुण भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे भौतिक गुण पर। तो दोस्तों हमारा चौथा भौतिक गुण है धातुओं के अंदर ऊष्मा आसानी से संचलित हो जाती है। तो दोस्तों ये बात तो मैंने आपको परिभाषा में ही समझा दी थी कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर ऊष्मा जो है आसानी से संचलित हो जाती है। और दोस्तों जो हमारा पांचवा भौतिक गुण है वह है धातुओं के अंदर विद्युत आसानी से संचलित हो जाती है। तो दोस्तों ये बात भी मैंने आपको परिभाषा में समझा दी थी कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर जो हमारी बिजली है वो आसानी से संचलित हो जाती है या आसानी से बह जाती है। ये बात मैंने आपको समझा दी थी। अब दोस्तों आते हैं छठे भौतिक गुण पर। तो दोस्तों हमारा छठा भौतिक गुण है धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। यही कारण है कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास दो प्रकार की धातुएं होती हैं, एक तो कठोर धातुएं होती हैं, एक कमजोर धातुएं होती हैं। तो जो दोस्तों कठोर धातुएं होती हैं जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तो ये जो धातुएं होती हैं यदि इन धातुओं को हम किसी कठोर सतह पर टकराती हैं तो दोस्तों ये क्या करती है? आवाज पैदा करती हैं। क्या करती है दोस्तों? आवाज पैदा करती हैं। यही कारण है कि स्कूल की जो घंटी होती हैं वो धातु की बनी होती हैं। दोस्तों आपने स्कूल में देखा होगा कि जो घंटी बजती है, जो घंटी होती है वो लोहे की बनी होती है, मतलब वो धातु की बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों? और वो भी धातु कैसा होता? कठोर धातु होता, कमजोर धातु नहीं होता, कठोर धातु होता है। तो दोस्तों आपको ये भी छठा भौतिक गुण भी समझ में आ गया होगा। तो यही दोस्तों छह भौतिक गुण थे धातुओं के। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वह है अधातु। क्या है दोस्तों? अधातु। कि अधातु किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है अधातु, और इस हेडिंग में आपको लिखना है वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, यह हल्के पदार्थ हैं जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन आदि। तो दोस्तों देखिए अधातु किन्हें कहते हैं? दोस्तों वे तत्व जिनके अंदर ना ही ऊष्मा बहती है ना ही विद्युत बहती है, अर्थात दोस्तों वे तत्व जो ना ही गर्म होते हैं और ना ही जिनके अंदर बिजली आसानी से बहती है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारी अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अधातु कहलाते हैं। दोस्तों अधातु जो होते हैं ये चमकदार नहीं होते हैं, मतलब कोई सा भी जो अधातु होता है वो कोई सा भी चमकदार नहीं होता है। और दोस्तों यह हल्के पदार्थ हैं जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे अधातु होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं ये हल्के होते हैं, मतलब किसी में भी वजन नहीं होता है। और दोस्तों ये ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करते हैं, ये जितने भी अधातु हैं ये ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन आदि। अब दोस्तों देखिए, क्या कार्बन में वजन होता है? नहीं होता, ये हल्का पदार्थ होता है। क्या दोस्तों कार्बन के अंदर चमक होती
होती है? नहीं होती है। क्या दोस्तों कार्बन के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है? नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे जो तत्व होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अधातु कहलाते हैं। तो कार्बन क्या मेरा अधातु है, सल्फर क्या मेरा अधातु है, हाइड्रोजन क्या मेरा अधातु है, क्योंकि ना ही इनके अंदर वजन होता है, ना ही इनके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, ना ही इनके अंदर कोई चमक होती है। तो ऐसे प्रकार के जो तत्व होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको अधातु भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि अधातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों इतना ही आपको जानना है धातु तथा अधातु के बारे में। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।